हे गाइस, वेलकम टू द ई लर्नम फॉर्मरली नोन एज स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सोच रहे होंगे कि कैसे चीज़ें करें, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में। कई सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, क्रैश कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, वीडियोज़ हैं, आप देखते रहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती, कोई चीज़ें होती, तो आप ज़रूर हमें बताइएगा, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। और लर्न करते रहिए, सीखते रहिए एंड इम्प्रूव करते रहिए अपने मिस्टेक्स को, ताकि आप आगे आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे वो ICMR हो या कोई भी एग्जामिनेशंस हो, उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल के लिए। सो रिसाइज के लिए डीएनए डिलीवरी मेथड में अलग अलग डीएनए डिलीवरी मेथड्स पाए जाते हैं। एनिमल में माइक्रो प्रोपागेशंस होते हैं, लेपोसोम्स एंड SV14 बायोलॉजिकल मेथड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब नॉर्मली हम बात करते हैं माइक्रो प्रोपागेशन, या यू कैन से द माइक्रो इंजेक्शन, इसका दूसरा नाम हो जाता है माइक्रो इंजेक्शन, जिसमें हम इंजेक्शन के थ्रू माइक्रो नीडल इंजेक्शंस के थ्रू हम फिक्स करते हैं। प्लांट में जीन गन पे आ जाता है, DAE डेक्सटन है, एग्रोबैक्टीरियम होते हैं बायोलॉजिकल। इंसेक्ट में इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ साथ यहाँ पे जो हो जाता है CF कैल्शियम फॉस्फेट या बैकुलोवायरस यूज़ किया जाता है इंसेक्ट में, ठीक है। एंड इसके अलावा प्रोकैरियोटिक केस में इलेक्ट्रोफोरेसिस इज देयर एंड दिस इज कैल्शियम आयन मेडिएटेड एंड बैक्टीरियोफाज फॉर द प्रोकैरियोटिक सेल्स। दीज आर द DNA डिलीवरी मेथड्स टेक्निक्स फॉर वेरियस थिंग्स। एग्रोबैक्टीरियम यूज़ किया जाता है प्लांट में, जिसके पास चार अलग अलग चीज़ें होती है, TDNA, वीर जीन्स, उसके बाद ओराइक ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन्स। जो स्पेसिफिक तीन चीज़ें चाहिए, TDNA, ओरिजिन्स एंड ओराइक चाहिए, कैटाबोलिज्म जीन्स की जरूरत नहीं होती। जब आप TI प्लाज्मिड को देखेंगे, दिस इज द TDNA पार्ट, लेफ्ट बॉर्डर ऑक्सिन साइटोकाइनिन ओपाइन, राइट बॉर्डर दिस आर द वेरुलेंस जीन्स ABCDEF, ओपाइन कैटाबोलिजम्स एंड ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशंस। तो ये सारी चीज़ें जरूरत चाहिए। इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव होते हैं, कुछ जो होते हैं इंड्यूसेबल होते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव में A और G होते हैं, जो A करता है सेंस ऑफ द एसिटोसिरन जोन एंड G करता है फॉस्फोराइलेशन, यानी एक्टिवेट करता है अदर वीर जीन्स को। ये क्या करेगा, एक्टिवेट अदर वीर जीन्स, अदर वीर जीन्स जो होते हैं उनको क्या करेगा, एक्टिवेट करने का काम करता है। इसके अलावा जो हो जाते हैं इंड्यूसेबल में, वीर B कॉन्जुगेशन ट्यूब्स, वीर C इंक्रीज द ओवरड्राइव सिक्वेंसेज एंड वीर D2 NLS न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स एंड न्यूक्लियस एक्टिविटी पा जाते हैं। वीर ई SSBP इज देयर, SSB बाइंड आपके सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, एंड वीर एफ जो इंटीग्रेशन या डिग्रेडेशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं। कोड है AG, सुनते हो, ईद पे जरा ठंडा ले आना, फंटा लेके आना, सर चाचू जान भाई जान वाला केस है, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे इट्स लाइक कि सबसे पहले AG सुनते हो, अगर कोड के ऊपर बात करते हो, तो सबसे पहले A काम करेगा, फिर उसके बाद G आएगा, G सबको एक्टिवेट करेगा, G एक्टिवेट होते ही D1, D2 कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे आपके TDNA के लिए ठंडा ले आने के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ ई भी इन्वॉल्व हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद ठंडा ले आने के बाद D4 एंड B जो कि टाइप 4 सिक्रेटरी सिस्टम बना लेंगे, B4 जो कॉन्जुगेशन ट्यूब, या इसको बोलते हैं टाइप फोर सिक्रेटरी सिस्टम बना लेगा D4 के साथ मिलके, एंड F जो होगा प्लांट में जाके इंटीग्रेट कर लेगा चाचू जान इसको ओवरड्राइव सिक्वेंसेस पे, इंक्रीज द प्रोसेस विथ बाइंडिंग विद द ओवरड्राइव सिक्वेंसेस, और इस तरीके से चीज़ें कर लेते हैं। नाउ PCR रिएक्शंस के ऊपर जब हम बात करते हैं, तो PCR रिएक्शंस में डी नेचुरेशंस प्राइमरी एनिलिंग एंड एक्सटेंशंस, दीज आर द 3 प्रोसेसेस इन द PCR रिएक्शंस। टेम्परेचर इज फॉर द डी नेचुरेशंस, किसी भी डबल स्टैंडर्ड DNA को एम्पलीफाई करने का प्रोसेस होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। टेम्परेचर 93-95 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं, एनिलिंग के लिए 50-70 होता है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो द TM ऑफ द प्राइमर। TM कैलकुलेट करने के लिए वैलेस रूल यूज कर सकते हैं, जो आपको बताया गया था, दिस इज द फॉर्मूला हियर, 4G+T+2 × A+T। वैलेस रूल इज हियर, लेंथ ऑफ द प्राइमर इज 15-25 बेस पेयर्स, GC कंटेंट इज 40-60% जो होता है। इस तरीके से डीनेचुरेशन 1 मिनट के लिए होता है, एनिलिंग 1 मिनट के लिए होता है, एक्सटेंशन 2 मिनट के लिए होता है। इफ यू टॉक अबाउट द टाइमिंग, डीनेचुरेशन फॉर 1 मिनट
एनलिंग फॉर द 1 मिनट, एक्सटेंशन फॉर द 2 मिनट. टेम्परेचर फॉर द डीनेचुरेशन इज नियर अबाउट 93 to 95, फॉर द एनलिंग 50 to 60, एंड फॉर द एक्सटेंशन इट इज 70 to 75. एक्सटेंशन में DNTPs, Mg2+, टैग पॉलीमरेजेस, ये सारी चीज़ें चाहिए जो एक्सटेंशन कराएंगे. और PCR प्रोडक्ट्स में इनिशियल इनपुट अमाउंट इंटू 1+% एफिशियंसी टू पावर n जो होता है, ये आपकी चीज़ें चलती रहती है, कितना साइकिल चल रहा है. नाउ अगर हम बात करते हैं कि नॉर्मली n इज़ द नंबर ऑफ साइकिल, तो अगर फाइनल प्रोडक्ट पूछा जाए तो इट इज़ n नॉट इनटू 2 to power n. ये जो होता है आपका साइकिल चलना शुरू हो जाता है जहाँ पे चीज़ें चलती रहती हैं. नाउ PCR साइकिल में सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड DNA को डीनेचर करोगे. सेपरेट द DNA स्ट्रैंड विद द हाई टेम्परेचर, डीनेचर किया, देन देयर इज शुड बी द प्राइमिंग एनलिंग, प्राइमर फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर, प्राइमर एनलिंग हो जाएगा. देन देयर इज प्राइमर एक्सटेंशन, यहाँ पे प्राइमर जो होगा पॉलीमरेजेस आएंगे. क्या जाएंगे यहाँ पे, यू हैव टू DNTPs होगा, टैक DNA पॉलीमरेज होगा, टैक DNA पॉल होगा. इसके साथ साथ यू हैव टू प्रोवाइड Mg2+, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे. तो यहाँ से टैक DNA पॉलीमरेजेस बाइंड करेंगे और बाइंड करके ये एक्सटेंशन करना शुरू कर देगा और चलता चला जाएगा. इधर से इधर एक्सटेंशन हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा. सिंथेसिस हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में होगी. 3' OH यहाँ देखिए फ्री हो गया, 3' यहाँ फ्री हो गया, जैसा कि रिप्लिकेशन की कॉपी जैसा चल रहा है. तो दीज आर द साइड जहाँ पे आपके बाइंड करेंगे. देयर द रिवर्स प्राइमर इधर बाइंड कर रहा है, इधर फॉरवर्ड प्राइमर बाइंड कर रहा है. सो दीज आर द PCR साइकिल. इसके बाद दूसरे साइकिल इसी तरीके से रिपीट हो जाएगी. व्हेन यू लुक लाइक, अगर आप इसको लार्ज देखना चाहें तो देखिए, दिस इज द साइट जहां पे बाइंड कर रहा था. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू द डीनेचुरेशन, DNA स्ट्रैंड विद द हाई टेम्परेचर, डीनेचर किया, देयर इज फॉरवर्ड प्राइमर यहां बाइंड करेगा, यहां रिवर्स किया. पहले आपको डीनेचर करना था, डीनेचर किया तो दोनों स्ट्रैंड अलग, अब एनलिंग हो पाएगी तो प्राइमर एनलिंग करेंगे. लोअर टेम्परेचर किया आपने तो देखिए रिवर्स प्राइमर यहां बाइंड किया, यहां फॉरवर्ड किया, फॉरवर्ड करने के बाद टैग DNA पॉलीमरेजेस एंड ऑल ये एक्सटेंशन करते रहेंगे और एक्सटेंशन हो जाएगा. इसी तरीके से साइकिल जो है वो रिपीट होती रहेगी. अगेन दिस पर्टिकुलर केसेस में देखिए, डीनेचुरेशन किया, एनलिंग करी, एक्सटेंशन किया, सबसिक्वेंट साइकिल में चलता रहा. डबल स्टैंडर्ड टारगेट DNA, डीनेचुरेशन, कितने टेम्परेचर पर आप डीनेचर कर रहे थे, अगर आप लोगों को ध्यान आ रहा हो तो डीनेचुरेशन आप कर रहे थे 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे. कितने मिनट के लिए, फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए कर रहे थे. अगर हम एनलिंग के बारे में बात करें तो एनलिंग कितने के लिए कर रहे थे, 1 मिनट के लिए कर रहे थे. कितने टेम्परेचर पे आपके, 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे. एक्सटेंशन कितने देर के लिए कर रहे थे, 2 मिनट के लिए कर रहे थे. कितने टेम्परेचर पे, 70 to 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे. सो दीज आर द केसेस. ये साइकिल चलती रहेगी, जितने भी साइकिल जाएंगे उतने तरीके से फॉर्मूला के वाइज बढ़ता रहेगा. देयर आर सम मॉडिफिकेशंस ऑफ द रियल टाइम PCR. रियल टाइम PCR क्वांटिटेटिव डिटेक्शंस के लिए यूज किया जाता है. क्वांटिटेटिव डिटेक्शंस फॉर द एंड रियल टाइम, इसमें कुछ प्रूफ्स यूज किए जाते हैं, जैसे टैकमैन प्रूफ, साइबर ग्रीन, एंड इसके बाद बैकऑन्स आर देयर. ठीक है, बैकऑन्स, मॉलिकुलर बैकऑन्स एंड स्कॉर्पियंस, ये चीज़ें यूज होते हैं. RT-PCR इज लाइक RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज. RT-PCR यहाँ पे यूज हो रहा है, RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज PCR है. mRNA तो cDNA में जा रहा है. यहाँ पे ये क्या है कि ये RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज होगा, तो ये केस बनेगा. नेस्टेड PCR में 2 primer यूज किया जाता है. इन द नेस्टेड PCR देयर इज 2 primer. 2 primer का यूज किया जाता है इन द केस ऑफ नेस्टेड PCR. एक फॉरवर्ड होता है और उसके बाद दूसरा प्राइमर होता है, जिससे कि इनिशियल सेट ऑफ प्राइमर के इंटरनल होता है, जो कि इफिशियंसी को बढ़ा देता है. टच डाउन में हॉट स्टार्ट PCR बोलते हैं. हॉट टेम्परेचर पे स्टार्ट करते हैं, जिससे एनलिंग अच्छी हो जाती है. इनवर्स PCR के ऊपर बात करते हैं. इनवर्स PCR टू एम्पलीफाई द नोन अननोन सिक्वेंसेज एडजेसेंट टू द नोन DNA सिक्वेंसेज, दैट इज द इनवर्स PCR. RAPD के ऊपर बात करते हैं, तो RAPD दैट इज मल्टीपल रैंडम प्राइमर्स इज यूज, एंड AFLP 1 restriction डाइजेशन एंड 2 times प्राइमर इज यूज फॉर द AFLP. सो दीज आर सम मॉलिकुलर मार्कर्स. सम आर द डोमिनेंट मार्कर, मल्टी लोकस, सिंगल एलिक, ओनली फॉर द होमोजाइगस, जैसे RAPD एंड AFLP यूज होते हैं. एंड सम आर को डोमिनेंट, सिंगल लोकस, मल्टी एलिक एंड फॉर होमो एंड हेट्रोजाइगस बोथ, जैसे SSR, STR एंड RFLP. ये कुछ आपके मॉलिकुलर मार्कर्स के टाइप हो जाते हैं. इसके अलावा ब्लॉटिंग टेक्निक्स के ऊपर हम बात करते हैं, तो ब्लॉटिंग टेक्निक्स में जो हो जाते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग फॉर द DNA आइडेंटिफिकेशंस, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग फॉर RNA, वेस्टर्न फॉर द प्रोटीन एंड ईस्टर्न फॉर द
पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस। हाइब्रिडाइजेशन में डीएनए के लिए फिश यूज होता है, जीनोम एनालिसिस फॉर इन वीवो यूज किया जाता है, एंड इसके बाद माइक्रो एरे फॉर जीनोम एनालिसिस इन विट्रो। देयर इज वन टेक्निक इज ऑल्सो देयर, दैट इज ट्रांसक्रिप्टियोम एनालिसिस जो कि बताया गया था। ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस भी हम यूज कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, जो कि इन वीवो जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस होता है। इन वीवो जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस दिस इज फॉर पर्टिकुलरली, ये जो होते हैं आपके ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस होते हैं। प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शंस या इंट्रैक्शंस के लिए फ्रेट यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड यूज कर सकते हैं। ईस टू हाइब्रिड सिस्टम है, सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस है, या क्रोमेटीन इम्यूनो प्रेसिपिटेशंस भी यूज कर सकते हैं। दीज आर द प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शंस टेक्निक्स। व्हेन यू सी द ब्लॉटिंग में जिस मॉलिक्यूल सदर्न नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न जो आपको बताया गया था, सदर्न में डिटेक्ट करते हैं डीएनए, नॉर्दर्न में करते हैं आपके एमआरएनए, वेस्टर्न में करते हैं प्रोटीन। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होते हैं नॉर्मली एग्रोज यूज किया जाता है सदर्न में, नॉर्दर्न में फॉर्मेल्डिहाइड एग्रोज जेल, वेस्टर्न में पॉलीक्लामेट जेल यूज किया जाता है। जेल प्री ट्रीटमेंट में यहाँ पे कोई सदर्न में आप डीप्रोनेशन या डीनेचुरेशन कर सकते हैं। ब्लॉटिंग टेक्निक जनरली कैपिलरी ट्रांसफर होता है, कैपिलरी मैकेनिज्म जो होते हैं यूज किए जाते हैं सदर्न में, नॉर्दर्न में कैपिलरी मैकेनिज्म होता है, जबकि वेस्टर्न में इलेक्ट्रिक ट्रांसफर यूज किया जाता है, मतलब हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूज करते हैं टू इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसफर। प्रोब जो यूज किए जाते हैं सीडीएनए या डीएनए प्रोब्स होते हैं इन द सदर्न, सीडीएनए प्रोब्स जो होते हैं नॉर्दर्न में होते हैं, एंड प्राइमरी एंटीबॉडी इन द वेस्टर्न ब्लॉटिंग। डिटेक्टर सिस्टम में ऑटो रेडियोग्राम सदर्न के लिए होता है, नॉर्दर्न के लिए ऑटो रेडियोग्राम, वेस्टर्न के लिए कैलोरोमेट्रिक या इन सब चीज़ों को यूज कर सकते हैं। प्रोटीन हाइब्रिडाइजेशन के केसेस में जो आपको बताया गया, फ्रेट जो होता है ये मिनिमम डिस्टेंस 100 एंगस्ट्रॉम से कम होगा डोनर और एक्सेप्टर के बीच में, तो ये अपना रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, जो कि फ्लोरेसेंस अब ये करने लगेगा आपका बी। इसके अलावा यूज टू मेजर द डिस्टेंस एंड डिटेक्ट विद द मॉलिकुलर इंट्रैक्शंस, अगर मॉलिकुलर इंट्रैक्शन होगा तो फ्लोरेसेंस का ट्रांसफर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ईस्ट टू हाइब्रिड इन वीवो अप्रोच है मोस्टली इन यूकैरियोट, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एनालिसिस गैलोपेरॉन के ऊपर काम किया गया था ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम के लिए। फेज डिस्प्ले बैक्टीरियोफाज यूज किया जाता है, जो कि न्यूक्लिक एसिड कवर बाय द प्रोटीन कोट, प्रोटीन 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 डीएनए एंड लिगेंड एक्सेप्टर के लिए यूज किया जाता है। इसमें जो प्रोटीन होता है जी थ्री पी ग्रुप 3 प्रोटीन, इसी से हम अपना जो होता है आपके प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को यूज़ करते हैं और एक्सप्रेस कराते हैं कि फाज के G3P पे हमारा प्रोटीन हुआ है कि नहीं हुआ है। सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस जो होते हैं, एक सरफेस मेटल से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, अगर वहाँ पे कोई बॉडी मॉलिक्यूल इंट्रैक्शन होगा तो डेविएशन जो हो जाते हैं वो अलग हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हम चेक कर लेते हैं कितना इंट्रैक्शन हुआ है कितना नहीं हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट द एलाइजा वन, अगर हम एलाइजा के ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं तो एलाइजा बहुत ही सिंपल सा पंगा है, दैट एलाइजा कैन बी यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, नॉन कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटेटिव, एंड दिस पर्टिकुलर एलाइजा विल बी देयर। जहाँ पे हम बात करते हैं कि नॉन कॉम्पिटेटिव में क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड सैंडविच, जहाँ पे कोई कॉम्पिटेटिव की बात नहीं करे। डायरेक्ट में क्या करेंगे, एक एंटीजन है, एंटीबॉडी है और एंजाइम आके बाइंड किया, बहुत सिंपल सा है। डायरेक्ट एलाइजा में आपने क्या किया कि आपने एंटीजन था, एंटी प्राइमरी एंटीबॉडी दिया, डायरेक्टली इंटरेक्ट करा लिया। इनडायरेक्ट में पहले एंटीजन, प्राइमरी एंटीबॉडी, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी आया, तब जाके ये आपने किया, यह है इनडायरेक्ट वन। आपने सबस्ट्रेट जो है वो सेकेंडरी एंटीबॉडी से लिंक किया है, प्राइमरी से लिंक नहीं किया है। अब आ जाता है सैंडविच एलाइजा, सैंडविच में पहले प्राइमरी एंटीबॉडी, फिर एंटीजन, फिर आपका सेकेंडरी एंटीबॉडी, फिर आपका काम करेगा। इसमें एंटीजन जो है वो एक सैंडविच की तरह हो गया, इन बिटवीन आ गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंटीबॉडी, सो दिस इज लाइक द आपकी सैंडविच एलाइजा। कॉम्पिटेटिव एलाइजा में दो एंटीजन्स होते हैं, नोन एंड अननोन। नोन की अफिनिटी लो होती है, जनरली लेबल्ड होते हैं, फ्लोरिसेंट या रेडियो लेबल्ड हो सकते हैं। अगर ये रेडियो लेबल्ड हो जाएगा तो RIA आ जाता है, नथिंग डिफरेंट बिटवीन द कॉम्पिटेटिव जो एंड RIA, बस और सिर्फ लेबलिंग का फर्क आ जाता है। इन कॉम्पिटेटिव लेबलिंग फ्लोरिसेंट या नहीं भी लेबल होते हैं, RIA में रेडियो लेबल्ड हो जाते हैं। अननोन एंटीजन की अफिनिटी हाई होती है, अनलेबल्ड होते हैं, फ्लोरिसेंट आपका ये हो जाता है। विद द टाइम फ्लोरिसेंस का लेवल या रेडियो एक्टिव का लेवल
डिक्रीज होता रहेगा, क्योंकि कंपटीशन होगा तो आपके एंटीबॉडी से अननोन बाइंड करते रहेंगे और नोन रिमूव होता चला जाएगा, तो दिस विल डिक्रीज। सो अननोन की नॉन लेबल्ड होते हैं, हाई एफिनिटी होती है, नॉन लेबल्ड होते हैं एंड लो एफिनिटी होती है रेडियो इम्यूनो एसे में। लेबल्ड कैसा होगा? रेडियो लेबल्ड होगा। और कौन से कंपाउंड से लेबल होता है? आयोडीन 125, ये जो होते हैं ये रेडियो लेबल्ड होते हैं पर्टिकुलरली किसी भी पर्टिकुलर एंटीबॉडी के लिए। सो दीज आर द केसेस गाइस जो कि आपको बताया गया टेक्निक्स में, इन सब चीज़ों को ध्यान दिए रहिएगा। एप्लीकेशंस का जो मैंने बताया उनको ध्यान रखिएगा, तो आप क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं और डील कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी फीडबैक है तो ज़रूर बताइएगा ग्रुप में, मैं इंतज़ार करूँगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। Hey guys, my name is Viren Singh. If you want to crack CSIR, you just connect with India's largest learning platform. So yes, we are here. I am the Virendra Singh and I teach CSIR Life Science on an academy platform. आप सी एस आई आर लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे मेरे साथ और भी इंडियाज के टॉप एजुकेटर के साथ, जहां पे आपको मिलता है अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और इंडियाज के बेस्ट एजुकेटर। सो अनअकैडमी के ऐप को इंस्टॉल करिए, लॉग इन करिए और वहां से अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को या तो प्लस या तो आइकॉनिक ले लीजिए, जिससे कि आपको क्या है कि बहुत सारे यूनिट्स, बहुत सारे एजुकेटर्स मिलके आपके सपने को पूरा कराएंगे। तो जी हाँ, चलिए मैं आपको बता देता हूँ मेरे बारे में कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको इसी के लिए जुड़ा हूँ। सो दिस इज मी, आई हैव एक्सपीरियंस लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो उनमें से आई टीच सी एस आई लाइफ साइंस एंड मैं सी एस आई आर, डी बी टी, गेट, ये सब एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर चुका हूँ। आई एम द लीजेंड एजुकेटर इन दिस कैटेगरी इन द सी एस आई आर। माई पी एच डी इज रनिंग फ्रॉम आई टी बी एच यू। आई वॉज द गोल्ड मेडलिस्ट इन द बी टेक एज वेल एज इन द एम टेक। I was known for the interesting explanation and I was known for the trick master too. So I have guided more than 1000 qualified candidates. So aap mere sath Unacademy pe judh ke CSIR ka sapna pura kar sakte hain. Saath hi mein Unacademy Plus aur Iconic do tarike ke subscription Unacademy leke aaya hai. Plus mein aapko milte hain live classes, weekly test, structured courses, unlimited access. Ye sari cheeze Plus mein milti hain. In sab ke alawa Iconic mein कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है, जैसे स्टडी प्लानर है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस है, टेस्ट एनालिसिस एंड पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल कोच आपको मिलता है। एक बार अगर कंपैरेटिव बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्लस में आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और शेड्यूल्स मिलता ही मिलता है। आइकॉनिक में इन सब के अलावा जो है आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, बूस्टर सेशंस एंड पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग भी मिलता है। सो आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चूज करना चाहते हैं तो 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के लिए अवेलेबल है, जबकि प्लस सब्सक्रिप्शन 3, 6, 12 और 24 मंथ के लिए अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेरी होती है CSIR के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड तो आप इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और कोड जो है वो यूज कर सकते हैं विरेन और विरेन लाइव टू गेट द डिस्काउंट। सो प्लस क्लासेस जो कि मेरे स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके लिए मैं आपको इस वीडियो में जुड़ा हूं, तो माय प्लस क्लासेस जो है स्टार्ट हो रही हैं 4th of July से। जी हाँ, 4th of July से जो है मेरे प्लस क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो जुड़िए इस 4th of July से दिसंबर बैच के लिए, जिसमें यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 अभी स्टार्ट हो रहा है 4th of July से 5:30 और 8:30 PM पे, जो कि आप देख सकते हैं। इनको एक्सेस करने के लिए आपको अगेन जाना पड़ेगा कहाँ पे, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, और सब्सक्राइब करने के बाद मेरी क्लासेस में जुड़ना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं कई सारे स्पेशल क्लासेस भी लेता रहता हूँ, आप उसमें भी देख सकते हैं। ये स्पेशल क्लासेस पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो अनअकैडमी के ऐप पे मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में जुड़ सकते हैं और फ्री एक्सेस कर सकते हैं कई सारे कंटेंट्स को। साथ ही में अनअकैडमी के ऑफर्स जो है वो लेके आए गए हैं, तो कई सारे ऑफर्स अनअकैडमी के चलते रहते हैं, तो दीज आर द अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस जिनके साथ आप जुड़ सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं CSIR को। ठीक है, वॉन्ट टू ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं जो यहाँ पे मेंशन है, या टेलीग्राम चैनल पे जो है unacademy/virensingh के साथ जुड़ सकते हैं, या सिर्फ आप virensingh सर्च करेंगे तो भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो इस टेलीग्राम चैनल पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जुड़िए फॉर द नोट्स, फॉर द थिंग्स और फॉर द क्लासेस आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फ्री क्लासेस स्पेशल में, प्लस जो 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।